अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने पिछली क्लास में कविता जय जय भारत माता के तीन पैराग्राफ में से फर्स्ट पैरा एक्सप्लेनेशन हो गया था। अब मैं जय जय भारत माता कविता का सेकेंड पैरा एक्सप्लेनेशन करूंगी। नाउ विल कंटिन्यू द प्रीवियस क्लास। ओके, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। कमल, कमल यानी इंग्लिश में लोटस। ये हम सबको पता है कि लोटस यानी कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। लोटस जब पानी में खिलता है तो धरती पर बहुत ही अच्छा लगता है। देखा है ना बच्चों, आप कहाँ पर खिलता है लोटस? पानी में। यही कवि यही कहना चाहता है कि कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। धरती पर क्या है? आम कहाँ पर उगता है? धरती पर। इसीलिए कवि यह कहना चाहता है धरती पर है आम फले। कमल जब पानी में खिलता है तो धरती पर आम यानी फल उगता है। आम का मतलब मालूम ना, मैंगो, इंग्लिश में मैंगो। ये भी क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। कमल क्या है? फूल है। आम फल है। चलो नेक्स्ट आगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर इतना फल और फूल भरा हुआ है कि जितने भी नदियां तालाब है इन सब में कमल खिले हैं। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। इस धानी आंचल, धानी यानी बड़ा, आंचल यानी पल्लो, भारत माँ का पल्लो में क्या देखना है? कितने सुंदर भाव पले। भाव यानी सुंदर सुंदर नज़ारे, अच्छे अच्छे नज़ारे इस धानी आंचल में पले हैं। नेक्स्ट, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता। अर्थात भारत में रहने वाले जितने भी भारतवासी हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन हो, जो भी हो, जैसे भी हो, बड़े हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, सभी हम लोग भारत में रहते हैं। जैसे हम जिसे हम सब लोग भाई भाई हो, इस तरह हम भारत में रहते हैं। कवि ये कहते हैं कि सब भारत में रहने वाले आपस में भाई भाई बन के रहना चाहिए। टूटे कभी ना नाता, नाता मतलब बंधन। जब भाई भाई मिलजुल कर रहते हैं तो इसके अंदर जो प्यार वाला बंधन होता है, कवि क्या कहते हैं? इसे कभी ना तोड़े। यानी हम जो भारत में रह रहे हैं भारतवासी, मिलजुल कर आपस में प्यार से रहना चाहिए। फिर आगे कवि क्या कह रहे हैं? भारत माता को जय जय भारत माता कह रहे हैं। ये बच्चों ये पैराग्राफ भी आपने अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप इसको आपकी बुक में देख के पढ़ लीजिए। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे हैं सदा ही, टूटे कभी ना नाता। जय जय भारत माता। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।